मध्य प्रदेश के खंडवा जिला मुख्यालय से सटे आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को मध्याह्न भोजन में बांटी गई खिचड़ी में इडली निकलने की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जिला महिला बाल विकास अधिकारी संजय भारद्वाज को तलब कर जांच के आदेश दिए हैं। जन सुनवाई में ग्राम पंचायत नाहलदा के ग्राम कोटवारा की 80 साल की अनारबाई एक स्टील का छोटा डिब्बा लेकर कलेक्टर विशेष गढ़पाले के पास पहुंची और आंगनवाड़ी में वितरित की गई खिचड़ी में इडली निकलने की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने तुरंत महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय भारद्वाज को जांच के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी। आला अफसर के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी खंडवा ग्रामीण कांता देशमुख कोटवारा की आंगनवाड़ी में पहुंचे और वहां बच्चों और पालकों तथा कर्मचारियों से पूछताछ की। इस संबंध में वे अपनी रिपोर्ट आला अफसरों को जल्द ही सौंपने वाले हैं। क्या हुआ, क्या क्या ले क्या? वो बच्चा ना तो आंगनवाड़ी का खाना मग इले ना छे ना कीटाणु। कितना दिन से है इले? आज जैसे खाना पहले भी आई थी, पहले बहुत दिन होगा, बारह एक महीना होगा जब आई थी, तो जमा हम लाया नहीं। चलो भाई गलती हुई जा इंसान। ये हमेशा आती रहती क्या इसमें? हमेशा तो यार हाँ भाई देखो बेटा, अब हमारी आँखें नहीं रो जाता। आज क्या देखा आपने, क्या हुआ था? बहू लाई जैसे खानो आती, बच्चा का छुटाउती थी ना हवाई बच्चे थी मारा का टापरी माँ देखी अब लाई ना छे तो हाँ खड़ी हुई ना कल ये मका फिर चश्मा से और देखाया नहीं कि मैं चश्मा लगा देखी तो बना सो पूरा काम बताई मंदिर तक की बताई ना छोड़ कि देखो भाई और आमिर को बच्चों की जाए रोज गरीब हो गए गाँव वाला ने को बुलाई का मैं कलेक्टर हूँ। आंगनवाड़ी कौन है, क्या नाम लोग भाई? नाम तो नहीं। अच्छा यहाँ पर किसको आपने बताया कि फिर क्या कारण है, किसको शिकायत करी? कलेक्टर साहब क्या बोले? बोले कि चेकिंग कराए आदि हम राम आ जाते हमको जब पूरा काम बता सब लोग को खेल रहे हैं सब लोग देखे। आपको नाम बता दिए? अनार भाई। इसकी जांच की जाए और उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। तो जो सैंपल है वो हमने ले लिया है और हमने उसको खाद्य सुरक्षा कोडेंट सेफ्टी ऑफिसर को भी दे दिया है हमने सैंपल, और हमने सीडीपीओ को भी जांच के लिए वहाँ पर भेजा था। सीडीपीओ वहाँ गए थे आंगनवाड़ी केंद्र पर, उन्होंने जांच भी करी है। और वो जो चूँकि 1.5 साल के बच्चे को तो टेक होम राशन हम लोग देते हैं, साझा चूल्हा का खाना तो 3 से 6 साल के बच्चों को देते हैं। और आंगनवाड़ी पे जाके हमने दूसरे बच्चों से और उनसे जानकारी भी ली और उनसे पूरा पोषण आहार के बारे में भी प्राप्त किया गया, तो ऐसी कोई स्थिति पाई नहीं गई है। और विस्तृत रिपोर्ट अभी हमको कल सीडीपीओ और बना के दे देगा, हम उसका पूरा का पूरा इस विस्तृत विवरण बना के हम लोग जिलाधीश महोदय को देंगे कि कहाँ किस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। दलिया था या खिचड़ी थी सर, क्या था एक्चुअल वो उसमें? नमकीन थोली का वो जो महिला थी वो लेकर आई थी और उनका 1.5 साल का बच्चा है, उसकी वो दादी थी और वो उसको लेके आई थी कि 1.5 साल के बच्चे को ये दिया गया है और इसमें इम्प्योरिटी है, और उसी की जांच के लिए हमने सीडीपीओ को भेजा था। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसी कोई शिकायत वहाँ पे पाई नहीं गई है और हमारे पास उसके वो पंचनामा भी बना के लाए हैं, बयान भी लाए हैं। बाकी आगे और उसकी पूरी फाइंडिंग्स आएगी, रिपोर्ट आएगी तो हम आपको और बता पाएंगे। किस परियोजना के तहत था सर और किस जगह का मामला था? खंडवा ग्रामीण में कोटवाड़ा गांव का है, ग्राम पंचायत नाहलदा का मामला है, खंडवा जिले का। आपका परिचय दे दीजिए और पद। सर मैं संजय भारद्वाज हूँ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास खंडवा से।